नमस्कार, निर्माण आईएएस की ओर से मैं राजशेखर आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हाल ही में यूपीएससी का एक्सटेंडेड लिस्ट आया है, जिसको कंसोलिडेटर रिजर्व लिस्ट भी बोलते हैं, और इस लिस्ट में हमारे संस्थान से जुड़े एक छात्र कमला प्रसाद जी का सिलेक्शन हुआ यूपीएससी 2020 पे, जो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। तो आइए इनकी सफलता की यात्रा के बारे में थोड़ा सा इनसे ही इन्हीं के विषय में बात करते हैं, इनकी तैयारी के विषय में बात करते हैं। तो कमला प्रसाद जी, आपका सिलेक्शन हुआ यूपीएससी 2020 में, निर्माण परिवार की ओर से हार्दिक बधाई। थैंक यू। और अब चाहेंगे कि आप थोड़ा सा अपनी सफलता की यात्रा के बारे में, कितना संघर्ष करना पड़ा, कैसे आपने तैयारी की, क्या क्या चुनौती आपके सामने आई, तो एक एक करके प्रश्नों का उस पर आप बात करें। सर, मेरा नाम कमला प्रसाद सिंह है, सब आपको। मैं अमेठी जनपद के मुसाफिरखाना तहसील के ग्राम गाजनपुर दूरिया से संबंध रखता हूँ सर, और मेरी प्राथमिक शिक्षा वहीं हाई स्कूल अंबेरा इंटरमीडिएट कॉलेज और इंटर जो है वो एएच इंटर कॉलेज मुसाफिरखाना से हुई है, और स्नातक मैंने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया विश्वविद्यालय से किया है। एसएससी के थ्रू सर मेरा सिलेक्शन ऑर्डिनेंस क्लॉथिंग फैक्ट्री शाहजहाँपुर में हुआ था। वहाँ पर मैंने दिसंबर 2013 से जनवरी 2015 तक कार्य किया है। उसके बाद मैंने सीएचडी डिपो लखनऊ में फरवरी 2015 से और फरवरी 2018 तक कार्य किया है। क्लर्क के पद पर मैंने वहाँ पर कार्य किया है सर। उसके बाद फिर मैंने सर वहाँ से त्यागपत्र देने के बाद सिविल सेवा की तरफ रुख किया, और निर्माण संस्थान को मैंने दिल्ली आकर सर ज्वाइन किया है। लगातार प्रयास के बाद जो पहला प्रयास मैंने दिया था सिविल सेवा परीक्षा 2019 का, तो उसमें प्रिलिम्स नहीं हो पाया था, और सर 2020 में मेरा प्रिलिम्स हुआ, मेंस हुआ, बट जब फाइनल लिस्ट आई 24 सितंबर 2021 को सिविल सेवा परीक्षा का अंतिम परिणाम आया, तो उसमें नाम नहीं था। बट सिविल सेवा परीक्षा की जो एक रूल है 16(4) और 16(5), उसके तहत एक कंसोलिडेटेड रिजर्व लिस्ट रखी जाती है। तो पहली लिस्ट में 761 बच्चों का चयन हुआ था, जो टोटल वैकेंसी 836 थी उसके सापेक्ष, मतलब 75 सीटें उसमें बची रह गई थी। तो जो दूसरी कंसोलिडेटेड रिजर्व लिस्ट थी उसकी, वो 31 दिसंबर 2021 को आया था, जिसके माध्यम से अंतिम रूप से मुझे सिविल सेवा परीक्षा 2020 में चयन मिला है सर। बहुत बढ़िया, हमारे तरफ से बधाई। थैंक यू। और जैसे ये है कि हिंदी माध्यम के जो भी छात्र हैं आज समझ रहे हैं, अब भी जो परिस्थितियाँ चल रही हैं, जिस तरीके से आजकल कहा जा रहा है कि हिंदी माध्यम के लिए सिविल सेवा में सिलेक्शन जो है वो काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है, तो इस दौर में चूँकि आप सफल हो चुके हैं और सफलता आपकी आनी बाकी है, हम यह मान करके चलते हैं कि अब आप जो मेंस देने के लिए जा रहे हैं, जो आप अटेम्प्ट देने जा रहे हैं, उसमें आप और अच्छा रैंक प्राप्त करेंगे, तो इसके बारे में हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए? सर, हिंदी माध्यम के छात्रों की जो समस्या है सर, वो मुझे जहाँ तक पर्सनली लगती है वो दो एंड पे है। एक तो सर कंटेंट को लेकर के है, और पहले तो हिंदी माध्यम के लिए ये था कि कंटेंट की समस्या थी, बट अभी कंटेंट की अधिकता है, तो उसमें से चूज कर पाना कि हमें क्या पढ़ना है वो बहुत टफ वर्क है। उसमें से सिलेक्ट कर पाए कि, क्योंकि कई मटेरियल को हम एक एक बार पढ़ते हैं, लेकिन आप जब मेंस की परीक्षा में लिखने जाते हैं तो वो तथ्य आपको याद नहीं रह जाते, तो उसका एक ही आपके पास सोल्यूशन है कि कोई एक बुक आप स्टैंडर्ड वे में उसको फॉलो करिए, उसको 10 बार पढ़िए कम से कम, उसके जो फैक्ट हैं, फिगर हैं, डाटा है या जो कॉन्सेप्ट है वो आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए। जिसको आपने 10 बार पढ़ा है वही आपको वहाँ याद आएगा, जो आपने टेस्ट में लिख रखा है वही आपको याद आएगा। आप नए नए मटेरियल कितने भी मार्केट से ले लीजिए, कितने भी आप तैयार करिए, उसको एक्युमुलेट करते जाइए, उसका फाइनली आपको वहाँ एग्जाम में कोई फ़ायदा मिलने वाला नहीं है, क्योंकि वहाँ 3 घंटे में आपको 20 क्वेश्चन, लगभग 4,000 शब्द लिखना होता है, जहाँ पे एक क्वेश्चन के लिए एवरेज 150 शब्द के लिए 7 मिनट होता है, और जो सिर्फ 250 शब्द का होता है उसमें 9 मिनट तक मिल जाता है आपको, तो वो बहुत टफ है। तो उसके लिए आप सिर्फ एक ही सलाह है कि अपने मटेरियल को कम से कम रखिए। जैसे जो आप नोट्स बना रहे हैं अपने मेन को, तो उस पर आप ट्रस्ट करिए, जिस संस्थान में आप आए हैं, जिस टीचर के पास आए हैं, पहला सूत्र तो यही है कि आप उसमें भरोसा करिए, क्योंकि अगर आप उसके बाद उसका नोट्स बना रहे हैं, अपना इतने ज़्यादा अपनी टाइम वेस्ट किया आपने, अपना एनर्जी वेस्ट किया है,
तो उसको यूटिलाइज कीजिए। अब ये नहीं कि फिर से नए तरीके से नया नोट्स बनाना है, नया मार्केट से परचेज कर लेना है, जो आपने क्लास में पढ़ा है उसके बाद आप जाकर के बाद में फिर रूम पे पढ़ते हैं, उसका बार बार रिवीजन करते हैं, वो आपके लिए बहुत सहज हो जाता है, नई चीज़ें बहुत टफ हो जाती हैं। ये बात आपने बहुत अच्छी कही कि कन्फ्यूजन मार्केट में जो फ्रेशर या नए स्टूडेंट्स आते हैं उनके लिए एक हमेशा रहता है मार्केट में कि किस संस्थान का चयन करें, कैसे उस संस्थान पर विश्वास करें। चूंकि आपने जैसा बताया कि काफी कम समय में दूसरे ही प्रयास में आपने यह सफलता हासिल की है, तो इसके लिए आपने क्या, किस तरीके से किसी भी संस्थान का या अपने कन्फ्यूजन को दूर किया, किस संस्थान पर भरोसा करना चाहिए, इस चीज को आपने किस तरीके से चुना? सर, मेरे लिए मेंस का अप्रोच अलग रहा, प्री का अप्रोच अलग रहा। जब मैं जून 18 में निर्माण आया था ज्वाइन करने, तो किस्मत अच्छी थी, उस समय एथिक्स की क्लासेस शुरू हुई थी, तो मैंने फोर्थ पेपर से स्टार्टिंग शुरू की, क्योंकि फर्स्ट पेपर अपने आप में बहुत लंबी है, उसमें पूरी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इंडियन सोसाइटी, तो फोर्थ पेपर मैंने देखा बहुत कम टाइम में मैंने काफ़ी अच्छा उसमें कैच कर लिया, जो केस स्टडी लिखना हुआ या फिर एथिक्स के जो अभी भी मेरे पास एक्चुअल में जो नोट्स है वो 25 पेज से ज़्यादा नहीं है, थिंकर्स को छोड़ के अगर हम देखें या गवर्नेंस को छोड़ के देखें, तो उतने से ही मुझे ज़्यादातर जो क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है वो टॉपिक वहाँ से मुझे मिल जाते हैं, और बाकी तो आंसर राइटिंग की जो प्रैक्टिस होती है उसके बेस पे वो सही अपन निखरता चला जाता है लगातार। उसके बाद मैं थर्ड पेपर की तरफ गया, फिर सेकंड पेपर, फिर उसके बाद मैं फर्स्ट पेपर पे आया। हालांकि फर्स्ट पेपर पे अभी भी मेरा बहुत अच्छा कमांड नहीं हो पाया है, उसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ निरंतर। तो जो मेरा क्लास नोट्स था मैंने आकर के जो भी बनाया था, मैं मेंस के लिए सिर्फ अपने क्लास नोट्स को फॉलो किया हूँ। अपने क्लास नोट्स मैंने कम से कम 10-10 बार सबको पढ़ रखा है, चाहे वो इकोनॉमी का मेरा नोट्स हो, इंटरनल सिक्योरिटी का हो, या फिर इसमें डिजास्टर मैनेजमेंट का हो, या फिर एनवायरनमेंट इकोलॉजी हो, फोर्थ पेपर में एथिक्स हो, थिंकर्स हो, गवर्नेंस हो, एथिक्स इन गवर्नेंस हो, और उसके बाद फोर्थ पेपर में एथिक्स इन गवर्नेंस है, गवर्नेंस सेकेंड पेपर का पार्ट है, और सेकेंड पेपर में IR है, और उसके बाद फिर पॉलिटी का यहाँ चलता था, जितना टेस्ट होता था मैं लगातार सारे टेस्ट देता था, मेंस के भी प्रीलिम्स के भी साथ साथ चलते थे, और उसके बाद करंट से रिलेटेड जो संडे क्लासेस होती थी वो बहुत बेनिफिट करती थी, मैगजीन्स आपको मिल जाती थी या डेली मटेरियल के रूप में वो मिल ही जाता था। अच्छा कमला जी, किसी भी संस्थान के चयन में कोई भी फ्रेशर आता है, स्टूडेंट नया आता है मार्केट में, तो किस कुछ पैरामीटर आपने बनाया था कि इस तरीके के संस्थान में सुविधाएं मिलेंगी, या जो आपके मन में जो आपके आपका परसेप्शन था कि इस आधार पर मैं इस संस्थान में एडमिशन लूंगा, इस संस्थान पर विश्वास करूंगा, तो इस कन्फ्यूजन को आपने किस तरीके से दूर किया था दिल्ली आने के बाद से? सर, मैं चूंकि नौकरी छोड़ के आया था तो मेरे लिए दबाव ज़्यादा था, तो मेरे लिए ऐसे संस्थान की ज़रूरत थी कि वो कम से कम समय में मुझे पूरे सिलेबस से परिचित करवा दे, और जो मेरा मेंस राइटिंग का प्रोग्राम है वो उसके साथ साथ चलता रहे। तो मैंने इसके लिए निर्माण को सर बहुत सुटेबल पाया। जब मैं शुरुआत में ही आया था मैंने हिस्ट्री पढ़ नहीं रखी थी, या ज्योग्राफी का पार्ट मैंने पढ़ नहीं रखा था, बट यहाँ जो टेस्ट चलता था मैं जाके उसमें बैठता था, और जो भी आता था लिखता था धीरे धीरे। शुरू में तो 20 क्वेश्चन में 7-8 तक पहुँच पाते थे, फिर 10 तक ऐसे आधे होते थे आधे नहीं होते थे, बट मैंने कभी टेस्ट नहीं छोड़ा निर्माण का, वो UPSC वालों का हो रहा हो, UPPCS का हो रहा हो, इवन UPPCS 2018 मेरा प्री नहीं हुआ लेकिन मैंने सारे मेंस के टेस्ट दे रखे। 19 में भी मैंने इंटरव्यू दिया UPPCS का बट उसमें फाइनल नहीं हो पाया था। तो टेस्ट मैंने सर ना यहाँ पे प्रीलिम्स का छोड़ा है, ना क्लास टेस्ट छोड़ा है, ना जितने और रेगुलर यहाँ टेस्ट होते हैं प्रीलिम्स मेंस के, अगर मैं अवेलेबल हूँ तो मैंने हमेशा टेस्ट दिया है सर। तो आप एक बार सिलेबस से गो थ्रू हो जाइए, उसके बाद मेंस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग कीजिए, जितनी बार आप आंसर राइटिंग करेंगे उतना आपका कंटेंट एनरिचमेंट होता जाएगा। प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए आप, और जहाँ जहाँ आपका कमजोरी एरिया है उस पर आप एनालिसिस करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करिए। अच्छा, पेपर के हिसाब से अगर कमला जी बात करें तो छात्रों को आप क्या सलाह देंगे, अपनी स्टडी थोड़ा सा अगर शेयर करेंगे तो पेपर वाइज, जैसे पेपर वन के लिए आपने क्या क्या चीज़ें पढ़ी हैं या किस तरीके से पढ़ने का प्लान बनाया, पेपर टू, पेपर थर्ड, पेपर फोर्थ, इसी तरीके से अगर हम बात करें सर, मैं इस पर थोड़ा सा सर इसके लिए पहले मेंस के लिए बात करते हैं। फर्स्ट पेपर का इंडियन सोसाइटी का जो पेपर था उसमें जो क्लास नोट्स था सर, तो मैंने उसको कम से कम 10 बार पढ़ा होगा, तो उसके पॉइंट्स जो थे ग्लोबलाइजेशन के जैसे टॉपिक हुए, संस्कृताइजेशन के हुए, जितने भी टॉपिक थे वो इतनी बार किया था कि वो मेरे उसमें रट गए थे। तो और उसके बाद जब करंट अपडेट हो जाता था बाद में तो वो आंसर सही चला जाता था उसके बाद। और ज्योग्राफी के पार्ट पे सर उसमें दिक्कत रही है, कुछ अभी भी रही है मुझे,
लेकिन ज्योग्राफी को मैंने सिर्फ क्लास नोट्स अपना फॉलो किया है। मेंस के लिए तो सर पर्याप्त है, पीटी में उसमें कुछ और पढ़ने की ज़रूरत है, बाकी हिंदी माध्यम के लिए ज्योग्राफी में कुछ समस्या तो अभी बनी हुई है। बाकी जो वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है उसमें जो पीडी सर क्लास में बनवा देते हैं नोट्स, और जो हिस्ट्री के लिए मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बनवा देते हैं वो मोर देन सफिशियंट है। आप उसी को बार बार रिवाइज करिए, आप बहुत अधिक सक्षम हो जाएंगे हिस्ट्री के पार्ट पे, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आती है सर आर्ट एंड कल्चर के पार्ट पे, वो थोड़ा फैक्चुअल हो जाता है, तो उसमें समस्या थोड़ी ज़्यादा है आर्ट एंड कल्चर के पार्ट पे। और एंशिएंट मिडिल तो मेंस में नहीं है, आर्ट एंड कल्चर का जो पार्ट है यहाँ आपको थोड़ा ज़्यादा वर्क करना पड़ेगा। बाकी ज्योग्राफी के पार्ट पे तो आपका सही हो जाएगा, जो कोर ज्योग्राफी के पार्ट है उसमें थोड़ा टेक्निकल होता है, बाकी तो नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। ठीक है, और जैसे कि अगर आप ये सलाह दें कि क्लास नोट्स है, जो बच्चा जहाँ भी चाहे जिस संस्थान से क्लास कर रहा हो, तो क्लास नोट्स के अलावा रेफरेंस बुक में हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए, वो भी कई बार होता है कि छात्र बहुत सारी किताबें खरीद लेते हैं और चीज़ों को उस तरीके से पढ़ नहीं पाता या पढ़ने के बाद से और ज़्यादा कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इस चीज़ को आपने कैसे, इस चुनौती का कैसे सामना किया कि जैसे कि हिस्ट्री के लिए क्लास का नोट्स पढ़ लिया सर का, पेपर टू में, पेपर थर्ड में इकोनॉमी के लिए, करेंट अफेयर्स को, इन सब चीज़ों का आपने किस तरीके से कवर किया? सर मैं ईमानदारी से बताना चाहूँगा कि जो पॉलिटी रहा है मेरा वो मैंने क्लास नोट से किया है, प्रीलिम्स मेंस दोनों के लिए मैंने किया है। मेंस के लिए क्लास नोट्स बार बार दोहराया है और प्रीलिम्स के लिए मैंने क्वेश्चन ढेर सारे प्रैक्टिस किए हैं। IR का टॉपिक है, KD सर ने पढ़ा रखा था उसे, तो उसमें आप करंट से अपडेट होते रहते हो, करंट में होता है लेकिन बेसिक आपको पता चल जाता है, क्योंकि जब कोई टॉपिक आता है तो वो बेसिक से लेकर के करंट तक उसमें रिलेट करते हैं। सोशल जस्टिस का पार्ट सर गौतम आनंद सर का था, वो काफ़ी अच्छा था, एक बार पढ़ लिया था तो उसमें कोई समस्या नहीं आई थी। और फिर जो सेकंड पेपर में, ये सेकंड पेपर का पार्ट हुआ, और थर्ड पेपर में इकोनॉमी आया और ये इन्वायरमेंट आया और डिजास्टर मैनेजमेंट आया, इंटरनल सिक्योरिटी आया, ये मैंने क्लास नोट्स पढ़े। इसके बाद मैं सर किसी मैगजीन को मैंने फॉलो नहीं किया है, ना मैं कुछ पढ़ा हूँ, इसके लिए मैंने ओनली IAS का एडिटोरियल डिस्कशन सुना है सर, क्योंकि न्यूज़पेपर मैंने कई बार उठाने की कोशिश की, द हिंदू पढ़ने की कोशिश की, बट मैं उसमें रिलेवेंट चीज़ें खोज भी नहीं पाता था और वो मेरे लिए बहुत लेंदी हो जाता था कि 4 घंटे 5 घंटे देना उस चीज़ पे, वो बहुत टफ वर्क हो जाता था। तो वो मेरे लिए एक सहज स्थिति रही थी कि वो हिंदी में डिस्कशन हो जाता था, वो मैं 2 बार सुन लेता था उसको, तो करंट मैंने वहाँ से अपडेट किया है सर। और फोर्थ पेपर में तो ऐसे करंट जैसा कुछ है नहीं, लेकिन एग्जाम्पल वाले एग्जाम्पल जितने होते हैं जो आपके डिस्कशन में आते हैं या फिर न्यूज में आ गए, आपने सुन रखा है तो वो आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, बात करें अगर निबंध की, एसे की, तो इस पेपर की तैयारी आपने कैसे की थी? सर निबंध के लिए तो पहले आपको सोचना पड़ता है, आप निबंध 3 से शुरुआत में लिखेंगे तो 3 से 4 घंटे एक निबंध में लगता है, सोचना पड़ता है हर डायमेंशन उसका, जैसे उसको बोलते हैं उसका टेम स्टेपल करते हैं कि सोशियो एस्पेक्ट क्या है उसका, टेम्पोरल क्या है और एडमिनिस्ट्रेटिव क्या है, पॉलिटिकल क्या है, लीगल क्या है, इन्वायरमेंटल क्या है, एथिकल क्या है, इकोनॉमिकल क्या है, वो सारे फैक्टर आप एक बार उसको देखेंगे कि हर डायमेंशन इसमें मैंने कवर किया है कि नहीं किया है, पूछा गया तो क्यों पूछा गया। मूर्त विषय में तो सहज होता है लेकिन अमूर्त विषय में तो आपको बहुत अधिक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। और कोशिश इसमें मेरी ज़्यादा से ज़्यादा यही रही है कि मैंने कोई भी स्टोरी जैसे फ्रेम की शुरुआत में, तो मैंने उसके एग्जांपल हमेशा व्यक्तिगत जीवन से लिए हैं, जो मैंने व्यक्तिगत जीवन में देखा है, जो अपने आसपास देखा है, उस चीज़ को मैंने हमेशा उस चीज़ रिलेट किया है कि मैं अपने आप से रिलेट करके वो इससे लिख पाऊँ। और सर प्रीलिम्स के पार्ट पे भी जो मेंस के नोट्स थे, अगर आप एक बार गो थ्रू हो जाते हैं पूरे मेंस से, तो जो आपका प्रीलिम्स है वो 40% तैयार हो जाता है। तो मैंने जो मेरे मेंस के नोट्स थे कॉन्सेप्ट के लिए, मैंने अपने मेंस के नोट्स ही लगातार वही दोहराए थे और प्रीलिम्स के लिए बस वही क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे। ऐसा नहीं था कि प्रीलिम्स के लिए कोई अलग से नोट्स बना लिया हो या कुछ और अलग कर लिया हो, ऐसा कुछ नहीं था। ठीक है, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि कंसोलिडेटेड रिजर्व लिस्ट एक होता है, तो इस पर थोड़ा सा अगर आप इस समझा दें बच्चों को, क्योंकि कन्फ्यूजन का विषय रहता है कि ये है क्या, तो थोड़े से शब्दों में कि कन्फ्यूजन एक क्लियर हो जाए कि कंसोलिडेटेड रिजर्व लिस्ट क्या है, एक्सटेंडेड लिस्ट जिसको UPSC जारी करती है, ये क्या है? सर वो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन रूल जो है 16-4, उसका क्लास 4 एंड 5 है, उसमें ये दिया गया है कि जो कैटेगरी के कोई भी स्टूडेंट है, कैटेगरी मूवमेंट के लिए बेसिकली ये रखी जाती है। फॉर एग्जाम्पल लीजिए कि जैसे
किसी कैंडिडेट की 200 रैंक आई है 200, और उसने एज रिलैक्सेशन भी नहीं लिया है, अटेम्प्ट में भी रिलैक्सेशन उसने नहीं लिया है, प्रीलिम्स भी उसने जनरल में क्वालिफाई किया है, मेंस भी, फाइनल इंटरव्यू, फाइनल सिलेक्शन उसने जनरल में लिया, बट वो ओबीसी का कैंडिडेट है, तो जब उसको सर्विस अलाटमेंट होने लगेगी तो 200 रैंक तक जनरल के तहत उसको आईएएस नहीं मिल पाएगा, प्रॉपर आईएएस। इसके लिए फिर वो अपनी कैटेगरी का यूज कर लेगा, तो जब वो कैटेगरी का यूज कर लेगा तो उसे प्रॉपर आईएएस मिल जाएगा। फिर एक एग्जांपल दे रहा हूँ, तो फिर उसके बाद क्या होगी कि एक सीट वो जो जनरल पे आया था वो खाली रह जाएगी। तो इसी के लिए जितने कैटेगरी के स्टूडेंट जो होते हैं वो जनरल में क्वालिफाई करते हैं उतने की रिजर्व लिस्ट रखी जाती है, कंसोलिडेटेड रिजर्व लिस्ट रखी जाती है। बाद में जब उसका फाइनल रिजल्ट आता है तो जितने कैटेगरी के स्टूडेंट हैं, जैसे कोई ओबीसी में किसी की 30 रैंक आ गई तो, और उसने अटेम्प्ट में भी कोई रिलैक्सेशन नहीं लिया है, एज में भी नहीं लिया है, अटेम्प्ट में भी नहीं लिया है, और प्लेन्स मेंस इंटरव्यू उसने सब कुछ जनरल में क्वालिफाई कर रखा है, तो वो जनरल के अगेंस्ट सेलेक्ट हो जाएगा, तो उसकी एक सीट कैटेगरी के लिए चली जाएगी। तो ऐसे देखा जाता है कि कितनी सीटें उसमें से, मान लीजिए टोटल 150 सीट जैसे इस बार आई, तो उसमें से ये देखा जाएगा कि कितने जो हैं जनरल की सीट उसमें खाली हुई और कितने कैटेगरी वाले जो हैं वो जनरल में चले गए, तो उसी के अकॉर्डिंग वो उस अनुपात में वो लिस्ट आ जाती है कि जनरल की जैसे इस बार 52, ओबीसी की 19 आई, ईडब्ल्यूएस की 2 आई और एससी की 2 आई, ऐसे टोटल 75 आई है, जबकि रिजर्व लिस्ट में टोटल जो संख्या रखी गई थी वो 150 रखी गई थी। अच्छा, हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए एक छोटा सा अगर आप मैसेज देना चाहें जिससे वो प्रोत्साहित हो सके और अपनी उनकी तैयारी को एक नई दिशा मिल सके। सर, मैं शुरू में ही दूसरा पक्ष बोलना चाह रहा था, हिंदी माध्यम जब कोई तैयारी करने आता है तो एक तो शैक्षिक बैकग्राउंड बहुत अच्छे होने की उम्मीद नहीं की जा सकती, उसके साथ संस्थान को और व्यक्तिगत रूप से उसे बहुत मेहनत करनी होती है, और निम्न मध्यम वर्गीय परिवार या मध्यम वर्गीय परिवार से संबद्ध होता है तो जो आजीविका का प्रश्न होता है और जो रोजगार सुरक्षा का प्रश्न होता है वो सबके पास खड़ा होता है। तो एक अटेम्प्ट दो अटेम्प्ट में अगर सफलता नहीं मिलती है तो उसको पीसीएस के लिए या दूसरे और एग्जाम के लिए भागना पड़ता है कि कैसे मैं अपना करियर सेव कर लूँ, फ्यूचर सेव कर लूँ, तो ये समस्या सर बनी रहती है, तो जो फोकस है वो यूपीएससी से डाइवर्ट होता है। ये चीज़ कहीं ना कहीं तैयारी को बहुत इम्पैक्ट करती है, और यूपीएससी की तैयारी जो है वो डेडिकेटेड अपने अपने 2-3 साल मांगी लेती है। तो ये समस्या है सर कि आप यूपीएससी के लिए अगर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट आ रहे हैं तो वो सोच के हैं कि 2-3 साल हमें सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी देना है। आप यूपीपीसीएस का उसका सिलेबस मिलता है, मेंस का सारे हैं, तो आप दे लीजिए, लेकिन आपका फोकस जो है वो यूपीएससी होना चाहिए, और कम से कम मटेरियल रखिए, जितना कम हो सके, क्लास नोट्स है तो बस उतना रखिए, उसको बार बार रिवाइज करिए, और प्रीलिम्स निकालने का वही तरीका है कि आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करिए, मेंस में आपको कमांड चाहिए तो फिर आप टेस्ट ज्वाइन करिए, टेस्ट लगातार करते रहिए। निर्माण के मैंने सारे प्रोग्राम ज्वाइन कर रखे थे, इवन लास्ट ईयर जब ये 2020 का मेंस चल रहा था तो मैं अकेले आके यहाँ मेंस देता था पूरे संस्थान में, तो ये आपको टेस्ट जो है वो बहुत काम आएंगे वहाँ पे, और यही चीज़ आपका सिलेक्शन डिसाइड करेगी आगे चल करके मेंस और पीटी। बिल्कुल, और एक अंतिम सवाल के रूप में अपनी सफलता का श्रेय माता पिता का योगदान है, आपकी मेहनत का योगदान है, सब कुछ है, तो अगर थैंक्स बोलना हो तो फिर किस तरीके से, किन किन लोगों को आप ये श्रेय सफलता में हिस्सेदार बनाना चाहेंगे? सर, इसका जो तैयारी का दौर रहा है मेरे लिए बहुत उतार चढ़ाव भरा रहा है, मुझे 2 बार दिल्ली से वापस भी जाना पड़ा था, और 2019 में मेरे पिताजी मेरे लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत रहे थे, डायरेक्ट उन्होंने कभी नहीं कहा बट वो इंस्पायर करते रहते थे इन चीज़ों के लिए। मैंने 2019 लास्ट में उनको खो दिया था, तो वो मेरे लिए उसके बाद से फिर लगातार वो मेरे लिए प्रेरणा बने रहे कि मैं उनके सामने तो कुछ नहीं कर पाया, मैं लेट हो गया, ये मलाल तो हमेशा पूरा जीवन रहेगा, लेकिन उसके बाद मैं शायद कुछ कर पाया तो उसका श्रेय उन्हें ही जाता है। मेरी माँ का जो सपोर्ट है वो हमेशा मेरे लिए रहा, फिर मेरे भैया जो रहे, वो मेरा परिवार जो रहा, मेरे भैया रहे, बड़े भैया रहे, वो सब मेरे पिता की भूमिका में आ गए, और उसके बाद फिर यहाँ पे जब केडी सर, कमल सर का, कमल देव सर का यहाँ पे जो रोल रहा था वो एक शिक्षक का नहीं रहा, टीचर का नहीं रहा, एकदम परिवार की तरह, बच्चे की तरह ट्रीट किया, कहाँ पे दिक्कत है, क्या दिक्कत है, आप हर चीज़ जाके उनसे पूछना, डिस्कस करना। अब अकेले के लिए सर पूरा संस्थान खोल के टेस्ट दिलवा देते थे,
सर का यहाँ तक रहता था, कॉपी चेक करना, एक एक गलतियाँ उसमें बताना, सुधार कराना। अब कमलदेव सर का योगदान तो सर मैं शब्दों में तो बता ही नहीं सकता जितना कुछ रहा है। निर्माण तो ये समझिए कि एक बीज के रूप में आया, छोटे पौधे से लेकर के दृश्य तक बनाने का जो पूरा रोल है वो कमलदेव सर और पूरे निर्माण की टीम की रही है, इसके लिए मैं हमेशा उनका आभारी हूँ। चलिए, इसी के साथ में आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करते हुए निर्माण परिवार की तरफ से कि इस बार फिर से मेंस में अपीयर हो रहे हैं, हो चुके हैं, हालांकि अच्छा रिजल्ट आपका है, एकदम प्रॉपर आप आईएएस बने, इस शुभकामना के साथ हम ये आज का वार्तालाप यहीं पर विराम देते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू।